हम आज अपने घर की बिल्कुल तीन चार चीज़ों से बनाने जा रहे हैं बहुत मलाईदार कुल्फी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में दूध डालेंगे, फुल फैट वाला दूध है। इसको हम मैंने 1 लीटर लिया है। अब हम इसके लिए कुल्फी के लिए हमने ये 1 लीटर दूध ले लिया। अब हमको इसको पकाना है। ये देखिए हमने 1 लीटर दूध ले लिया है। अब हम इसको धीरे धीरे पकाएंगे। धीरे क्या, मैंने अभी तेज फ्लेम पे रखा हुआ है क्योंकि ये कच्चा है, तो इसीलिए इसको पकाना। और इसको इतना पकाना है आपको कि ये बिल्कुल जस्ट हाफ हो जाए, बल्कि हाफ से भी कम हो जाए। हमको इसको इतना गाढ़ा करना है। कुल्फी बनाते समय एक बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको इस दूध को अच्छे से स्टर करते रहना है, चलाते रहना है, जिससे कि ये अंदर नीचे कढ़ाई में ना लगे और हमारी परफेक्ट तरीके से कुल्फी बन जाए जो हम बना रहे हैं। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है ये, तो इसीलिए आज मैं इसको बना रही हूँ। 1 लीटर का हाफ लीटर रह जाए तब तक हमको इसको पकाना है। लगातार चलाते रहना जब तक इसमें एक बॉइल ना आ जाए, तब तक थोड़ा सा इसको आप चलाते रहिए जिससे कि कढ़ाई में ना लगे और आपका दूध परफेक्टली इसके लिए कुल्फी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। अभी ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसका मलाई भी स्टोर इसी में करते जाना है आपको। ये पूरी तरीके से पक चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पे हम रखेंगे। ये 10 मिनट में इतना अच्छा हो गया है। अब इसको हम धीरे धीरे इसको पकाएंगे। इसमें मलाई आनी शुरू हो गई है। 10 मिनट में ये इतना हो गया है। अब इसकी मलाई इसी की स्टोर इसी में करके रखना है हमको। ये सबसे इजीएस्ट सबसे सिंपल बनाने में है और इतनी फैंटास्टिक बनती है कि जिसकी कोई हद नहीं। आप भी अगर बनाएंगे, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी है लेकिन है बहुत अच्छी, बनती बहुत टेस्टी है। ये है कि इसको आप कुछ ऐसी तरीके से चलाते रहना है। इसका मलाई भी इसी में स्टोर हो रहा है। इसको चलाते रहना है क्योंकि दूध है, उबाल जल्दी आ जाता है। ये देखिए देखिए लगभग लगभग 25% तो ये इसमें से कम हो चुका है, यानी हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है। हमारा दूध आधा हो चुका है और इसकी मलाई हम इसी में करते जा रहे हैं। ये सारी मलाई हमको हटा लेनी है। ये देखिए हमारा दूध अब बढ़िया 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 तरीके से गाढ़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। इसको अभी हमें इसको और थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम गाढ़ा एकदम थिक सा दूध हो जाएगा। तब तक हमको इसको पकाना है और इसी तरीके से बस चलाते रहना है। ये देखिए हमारा दूध कितना बढ़िया परफेक्ट तरीके से गाढ़ा हो चुका है। और इसकी जो भी मलाई थी ना, मैंने इस पे ऊपर से आ रही थी, वो मैंने साइड बाई में कर दी है क्योंकि ये दूध नीचे से बीच में से अच्छे से पक सके। और ये मैंने इस तरीके से निकाला है और इस तरीके से देखिए दूध कितना बढ़िया फैंटास्टिक सा ये तैयार हो गया है। अब हम करेंगे इसको ठंडा। अब मैं इसमें शुगर नहीं डाल रही हूँ, मैं शुगर इसमें बाद में डालूँगी। अब हम इसको ठंडा करेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, ये जस्ट हाफ हो गया है। 1 लीटर का आधा लीटर भी नहीं रहा है, उससे कम ही है ये। ये देखिए इसको हम ठंडा करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम इसको ठंडा करने के लिए इसको रख रहे हैं, फ्रिज में नहीं रखेंगे, इसको ओपन ही रखेंगे। उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसीजर फिर आगे करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनने वाली बहुत ही टेस्टी बहुत ही मलाईदार कुल्फी है ये, जो कि आप भी खाएंगे बनाएंगे और खाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ कोई कुल्फी है, जबकि कोई इसमें झंझट नहीं है, बहुत जल्दी फटाफट बनने वाली है ये। मेरे को विद इन मुश्किल से मुश्किल अभी 10 से 15 मिनट हुआ है मेरा ये दूध इतना कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसका मलाई निकाल दिया है, साइड में कर दिया है, बाकी का मुझे इसको ठंडा करना है। इस दूध को ठंडा कर लिया है। ये देखिए आप ही खुद देखिए कितना गाढ़ा दूध हो गया है, हमारा दूध कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें करेंगे ये जितना भी साइड में हमारा मलाई लगा हुआ है ना, ये देखिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। हमको किस तरीके से बनानी है, जो भी हमारी ये मलाई इसमें आ गई थी दूध खोलाते खोलाते जो आई है हमारी गर्म करते करते, वो अब मैं इसी में ही सारी डाल दूँगी। एक रबड़ी फॉर्म में आ गया ये, जिससे कि दूध का टेक्सचर और गाढ़ा होता जा रहा है। ये देखिए हमारा बढ़िया रबड़ी वाला दूध बन गया है। अब हमें इसमें क्या करना है, ये मैंने 8 से 10 धागे मैंने केसर के लिए थे, दूध में डाल के रखे हुए थे। अब हम सबसे पहले इसमें वो डालेंगे। अब हमारा दूध ठंडा हो चुका है तो इसलिए मैंने, अब गर्म नहीं है इसलिए मैं इसमें ये 4 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर, चीनी। ये देखिए
और इसको हमको चलाते रहना है इसी तरीके से। ये मैंने केसर का दूध मैंने डाल दिया है इसमें, और उसके बाद मैं अब देखिए इसको चला दे रही हूँ, क्योंकि गर्म नहीं है इसलिए इसमें इजीली हो जाएगा, क्योंकि गर्म में शुगर डालने से फिर दूध पतला हो जाता, तो हमारा ये जो गाढ़ा दूध है ये हमारा पतला हो जाता, तो इसी वजह से हमने अब इसको ठंडा करने के बाद इसमें शुगर डाला है, वो इसमें अपने आप धीरे धीरे मेल्ट होती जाएगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए केवड़ा, मैं अब इसमें डाल रही हूँ 8 से 10 केवड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि ये मैं कुल्फ़ी बना रही हूँ तो कुल्फ़ी में केवड़े का एसेंस जो है, केवड़े का एक फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैं इसमें ये 8 से 10 बूंद में ये डाल रही हूँ। मैंने इसमें डाला है केवड़ा, और ये देखिए अब मैं इसको फिर से स्टिर करूँगी। मैंने इसमें केवड़ा डाल दिया है, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें डालती हूँ ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, जिसमें कि मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा, ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा इसमें ये डाला हुआ है, मैंने पिस्ता कटा हुआ चॉप करा हुआ रखा था वो मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं काजू ले रही हूँ, ये भी कटा हुआ काजू है ये मैं ले रही हूँ। डालती हूँ बादाम, तो ये हमने इसमें डाल दिया है बादाम, ये फटाफट बनने वाली है, बहुत बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी होती है। अब मैं इसमें लास्ट में मैं डालती हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये देखिए मैंने अब इसमें ये थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है। हमारा ये पूरा लिक्विड हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको करते हैं। मेरे पास इसका मोल्ड तो नहीं है, मैं आपको बिल्कुल देसी तरीके से ही बना रही हूँ, देसी तरीके से ही बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सी है लेकिन खाने में बहुत अच्छी है। अब इसका ये कुल्फ़ी का ये बैटर है बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, पूरी तरह से कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे, अब हम इसको ये देखिए हम इसको बिल्कुल साधारण तरीके से ही बना रहे हैं, इसको ग्लासों में करेंगे। अब देखिए कि मैंने बनाया कि ग्लास अलग अलग साइज़ के हैं, बट है ना, तो मैंने कहा क्यों ना हम इसी में दिखाएं। अब मैं इसको ऊपर से इसको कवर अप करूँगी, ये आप देखिए सॉरी हमारी कुल्फी बननी चाहिए हमारी, है ना, कुल्फी बने हमारी, कुल्फी अच्छी होनी चाहिए, ये मैटर करता है, ना कि ये मैटर करता है कि आप बना किस में रहें, आप उसको ला किस में रहें। तो अगर नहीं है कोई बात नहीं है, अगर इसके वो नहीं है तो हमने ये देखिए अब हमने ये कवर अप कर लिया है। ये देखिए ये मैंने कर दिया है सब में, अब मैं इसको ले जाती हूँ फ्रीजर में रखने के लिए, डीप फ्रीजर में। चलो चलो भाई चलते हैं, मिलते हैं बाय बाय आपको दिखाने के बाद। तो ये देखिए हमारी कुल्फी बनके तैयार हो गई है, ये हमने जमाने रखी थी डीप फ्रीजर में, अब ये बाहर हमने निकाली है, और ये हमारी बढ़िया देसी कुल्फी हमारी ये बनके तैयार हो गई है। ठीक से ये मैंने पानी ले रखा है, नॉर्मल वाटर ले रखा है, नॉर्मल पानी है, जिससे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, फिर इसमें से इजीली निकल आएगी ये। ये देखिए हमारी बढ़िया मलाईदार कुल्फी हमारी बनके तैयार हो गई है, कितनी बढ़िया बनी है ये। मैंने ये ग्लास में बनाई थी, ये देखिए कितनी फैंटास्टिक सी, और देखिए बन के बढ़िया रबड़ीदार बन आपकी कुल्फी तैयार हो गई है। अब हम इसको इसमें ये कटा हुआ थोड़ा थोड़ा पिस्ता है ये हम डाल रहे हैं इसमें, बढ़िया जम गई है, आप खुद देख सकते हैं इसका, ये देखिए ये कितना बढ़िया मलाई वाला है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, सिर्फ घर के देसी सामान से मैंने बनाई है ये। ये मैं कर देती हूँ इस पर, और इसमें 4 चांद लग जाएंगे इसकी गार्निश करने के बाद, बढ़िया देसी तरीके से ये हमने बनाई है। अब मैं इसको आपको काट के भी दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है,
कितनी बढ़िया बनी है, ये देखिए अंदर से भी बढ़िया बढ़िया। आप भी इसी तरीके से बनाइए और बना के खाइए इसको। बिल्कुल सिंपल सी है, बहुत कम ही इंग्रेडिएंट से बनी हुई है ये। मैंने ये बनाई है बिल्कुल तीन चार सीजन घर के सामान से मैंने बना दिया है ये। साधारण सी कुल्फी इतनी बढ़िया देखने में बनी है, मलाईदार बनी है बढ़िया। ये आप भी बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगती है मेरी, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, ओके, टाटा बाय।